नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और बता रहा हूं कि आज जो 12 बजे रात से ट्रकों का चक्का थमने जा रहा है बिहार के अंदर, ट्रक चालक एसोसिएशन जो है ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दे दी है सरकार को, और आज जो है इस रात 12 बजे के बाद से ट्रकों का चक्का थम जाएगा, यानी बिहार में सामान की ढुलाई रुक जाएगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज देर रात से जो है ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है और आज से ट्रकों की का चक्का रुक जाएगा और सामान की डिलीवरी यानी ढुलाई बंद कर दी जाएगी। तो दरअसल बिहार में ये जो है 12 से ज़्यादा चक्का वाले ट्रकों पर बालू, गिट्टी और अन्य सामानों की अन्य निर्माण सामग्रियों को नहीं ले जाने के बिहार सरकार के निर्देश के बाद ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने ये बड़ा फैसला लिया है और आज के बाद परेशानी पैदा होने जा रही है। आज देर रात से ट्रकों का चक्का थमने जा रहा है पूरे बिहार के अंदर। तो आज एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है सरकार के इस फैसले के खिलाफ। सरकार एसोसिएशन ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक सरकार कोई इस मामले में फैसला अपना वापस नहीं लेगी तब तक जो है ट्रक का चक्का जाम रखा जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरफ से जो ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं भानु शेखर, उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला है मालिकों और ड्राइवरों का कमर तोड़ने वाला फैसला है, इससे बिहार भर के सभी ट्रक मालिक और ड्राइवर प्रभावित होंगे। उनका कहना है कि पटना के सभी मुख्य स्थानों पर जहां एनएच और ट्रकों को खड़ा कर प्रदर्शन किया जाएगा, बिहार भर के लगभग 1,00,000 ट्रक मालिक इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। बिहार के सभी जिलों में एक साथ हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। तो आज देर रात के बाद से बड़ी परेशानी पैदा होने वाली है। बिहार सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने और पूरे बिहार के 1,00,000 से ज़्यादा ट्रक मालिकों ने एक साथ खड़े होकर फैसला ले लिया है कि आज से ट्रकों का चक्का थम जाएगा देर रात 12 बजे से, क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया है वो उन्हें मंजूर नहीं है। 12 से ज़्यादा चक्का वाले ट्रकों पर गिट्टी, बालू और अन्य निर्माण सामग्रियों को नहीं ले जाने के सरकार के फैसले का वो पुरजोर विरोध करते हैं, ये कहा गया है। तो ट्रक मालिकों की हड़ताल से इमरजेंसी सेवाओं को, यानी इमरजेंसी सेवा जो है वो जो है इस हड़ताल से मुक्त रहेंगे। वैसे ट्रक और वाहन जो इमरजेंसी सेवाओं में लगे हैं वो हड़ताल से बाहर रहेंगे, यानी इमरजेंसी सेवाओं को मुक्त किया गया है, इस हड़ताल से बाहर रखा गया है। परिवहन विभाग ट्रक एसोसिएशन के हड़ताल पर नजर बनाए हुए है इस बीच, और हड़ताल के प्रभाव को देखते हुए परिवहन विभाग कदम बढ़ा रहा है। बता दें कि बिहार में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण व सड़कों के रखरखाव को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है। तो जिस तरह से बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है, उसके बाद ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ और साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार का यह फैसला उन्हें किसी कीमत पर मंजूर नहीं है, और बिहार के लाखों ट्रक मालिक जो हैं और जो सड़क पर ट्रकें दौड़ रही हैं बिहार में सामानों को ढुलाई को लेकर, वो ट्रक आज देर रात से उनका चक्का थम जाएगा, यानी बड़ा अल्टीमेटम है। सामानों की ढुलाई रुक जाएगी तो समझा जा सकता है कि ट्रक चालकों के, ट्रक मालिकों के हड़ताल से कितना बड़ा असर पड़ने जा रहा है बिहार के अंदर। सामानों की ढुलाई को लेकर बड़ा जो है असर पड़ेगा पूरे बिहार में। तो अब इस बड़े फैसले पर लेकर सरकार जो है एसोसिएशन के अल्टीमेटम के बाद कौन सा कदम उठाती है, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि सरकार आखिर इतने बड़े फैसलों को लेकर जो ट्रक एसोसिएशन ने किया है उसको लेकर अब कौन सा कदम अगला उठाने जा रही है, ताकि ट्रकों का चक्का ना थमे और सामानों की ढुलाई होती रहे और सही समय पर लोगों को जो सामान मुहैया कराया जा सके। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है कि ट्रक एसोसिएशन आज देर रात से हड़ताल पर चला जाएगा और ट्रकों का चक्का थम जाएगा पूरी तरह से बिहार के अंदर। तो अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। Unisex Saloon,
ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेसर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।